सर, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कह रही हैं कि जब आपको मुख्यमंत्री ऐसा मिलता है, ममता बनर्जी के लिए बोल रही हैं, उन्होंने बोला है कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो कह रही है इसका मतलब है कि लोग सरकार और पुलिस के बजाय खुद जिम्मेदार हैं। देखिए, ना तो जनसंख्या का इसमें कोई रोल है, बलात्कार के जो वाकयात इतने ज़्यादा हो रहे हैं उसकी मेन वजह मैं ये समझता हूँ कि कानून में कहीं ना कहीं कमी है। अगर कैपिटल पनिशमेंट जल्द से जल्द दिया जाए ऐसे लोगों को, जिस तरह के शरीयत के कानून हैं, सऊदी अरेबिया में बलात्कार क्यों नहीं होता? जब कोई आदमी किसी को इस तरह से रेप करता है, नाबालिग को रेप करता है या शादीशुदा आदमी किसी का रेप करता है, तो उसकी सजाए मौत उस होनी चाहिए, लेकिन सबूतों के साथ हो, ऐसा ना हो कि लोग मिसयूज़ करना शुरू कर दें। तो एक चीज़ तो ये है बलात्कार की वजह। दूसरे जो हमारी जो पोर्न पिक्चर्स हैं और जो हमारे नेट के ऊपर इस तरह की तमाम चीज़ें आ रही हैं जिससे कि फिजियोलॉजिकली जवान लड़कों में एक हार्मोन बहुत बढ़ जाता है टेस्टोस्टेरोन, और वो उसने मजबूर कर देता है सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए। ये सारी पोर्न साइट्स बंद होनी चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए इसके खिलाफ। तीसरी बात यह है कि आदमी की शादी की उम्र पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। शादी की उम्र 18 साल जो है वो बिल्कुल ठीक उम्र है, अगर और बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। क्या लगता है आपको कि शरीयत का कानून लागू कर देना चाहिए इस तरीके के मामले? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया तो सऊदीया का निकाल लिए कि वहाँ पे कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, क्यों कितनी चोरियाँ हो रही हैं, जो आपके सामने एक एग्जांपल है। क्योंकि इस्लामोफोबिया है तो शरीयत के नाम आते ही उछल जाते हैं एक एक बालिश। जरूरी है। तो दानिश अली भी आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं, कल आपने बताया था, तो दानिश अली भी कह रहे हैं कि जो है ऐसा जो पूरे घटनाक्रम में बीजेपी की है वो है फैलिस्ट्रेट किया जा रहा है जो रमेश भदौरिया है। हमने तो आपसे कल भी इस बात को कहा था कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरता चला जा रहा है, शायद इतिहासकार इस दौर को काले अध्याय के रूप में लिखेंगे कि जब इंसानियत अपने सबसे कम एज के ऊपर आ गई हो और इंसानियत के लिए लोग काम ना करें, सिर्फ धर्मों का सहारा लेकर राजनीति करें, मुसलमान को गाली बकने वाले लोग उनको और उनके रुतबे बढ़ाए जाते हैं और हो सकता है उनको मंत्री भी बना दिया जाए, तो क्या होगा हमारे देश का आखिर हाल? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।